नमस्ते दोस्तों, मैं विनय जैन जबलपुर से बोल रहा हूँ। 3 जून आज की तारीख है, समय हो रहा है 4:13। जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे पहले की बात है, मेरे पास एक ठग का फ़ोन आया। मेरी एसी की दुकान है, वह मुझसे पूछता है कि तुम्हारी दुकान में एसी बिकता है? मैंने उससे बोला हाँ बिकता है। वह तुरंत ही बोलता है कि एक एसी कितने का आएगा वोल्टास का? मैंने बोला 38,000 रुपये का। वह तुरंत ही मान गया और मुझसे बोलता है कि आप अपनी UPI ID मुझे भेज दीजिए, मैं पेमेंट कर देता हूँ और आप मेरे एड्रेस विजय नगर में भेज दीजिए। मैं तुरंत ही मान गया, पर मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ खलबली थी कि इतनी जल्दी ग्राहक मान कैसे गया। मैंने उसे UPI ID नहीं दी, मैंने उससे गूगल पे से पेमेंट करने के लिए कहा। गूगल पे, UPI ID, पेटीएम, पेवन, बहुत सारे आजकल अकाउंट से जुड़े लिंक होते हैं जिनसे पेमेंट आसानी से हो जाती है। पर आपको बताना चाहता हूँ, यह जितने ही सुविधाजनक हैं उतने ही विश्वासघात करने वाली चीज़ें हैं। तुरंत ही उसने मुझे गूगल पे का हाय लिखकर भेजा। गूगल पे में हाय लिखकर उसने भेजा है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और वह मुझसे बोलता है कि आपको 21,000 रुपये भेजे हैं, जबकि उसने मुझे भेजे नहीं थे, वह मेरे अकाउंट से किसी और को भेज रहा था। सिर्फ पे और पेड का अंतर था। मैं उसकी स्थिति को भांप गया क्योंकि पीछे से कहीं ना कहीं उसके कीबोर्ड की आवाज़ आ रही थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे लालच में ना आए। रोज़ हमारे देश में करीब 200 फ्रॉड ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक OTP या इस टाइप से सिर्फ क्लिक करने से हो जाते हैं। यह वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगी से बचाना है, क्योंकि जब मैं थाने में यह शिकायत करने गया तो मुझे वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। वहाँ पर उन्हें भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता जिनके साथ ठगी हो जाती है। आपसे निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ जिससे लोग ठगी से बच सकें। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब वह व्यक्ति मुझसे बात कर रहा था तब उसने मुझे व्हाट्सएप में अपनी ID इस फौजी के रूप में दिखी। ये फौजी देखिए, बोले मैं ये बोल रहा हूँ, और साथ में भरोसा दिलाने के लिए मेरे बिना मांगे उसने अपनी 3 आईडियाँ दी, जिसमें उसका नाम विकास पटेल, तीनों में सेम डेट ऑफ बर्थ के साथ है। यह बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। आपसे निवेदन है, किसी भी ट्रांजैक्शन को करने से पहले 100 बार सोचें, लालच में ना आएँ और अपने पैसे को सेफ रखें और अपने अकाउंट में ज़्यादा पैसा ना रखें। हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है, मैं तो बच गया मगर कई लोग नहीं बचते। इस वीडियो को वायरल करें और उन लोगों को बचाएं, क्योंकि मेहनत का पैसा बहुत ही दुखदाई हो जाता है अगर गलत हाथों में चला जाए तो। जय हिंद, जय भारत।